शिमला जिला के ननखड़ी खंड मुख्यालय में आर्यव्रत एजुकेशन वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने लोगों से आह्वान किया कि कोरोना महामारी के दौर में रक्तदान के लिए आगे आएं। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को कोरोना संक्रमण के प्रति भी जागरूक किया और इसके रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्र तक कोरोना कर्फ्यू के निर्देशों को सख्ती से पालन करने की सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। आर्यव्रत एजुकेशन वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष कौल नेगी ने बताया कि ननखड़ी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया क्योंकि रक्त की कमी होने का पता उन्हें चला था। उन्होंने कहा कि संस्था ऐसे सामाजिक एवं सेवा से जुड़े कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है ताकि इस महामारी व आपदा के दौर में लोगों को सहायता मिल सके। पंचायत समिति ननखड़ी के अध्यक्षा प्रीति मंगल ने बताया कि ननखड़ी में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है ताकि अस्पतालों में ऐसे माहौल में रक्त की कमी न हो, लोग भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रीति मंगल पंचायत समिति की अध्यक्षा हूँ। आज ननखड़ी में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। हम लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें क्योंकि इस कोरोना काल की जो ये महामारी चल रही है इसमें लोगों को ब्लड की काफ़ी आवश्यकता पड़ रही है ताकि लोगों को भी संदेश दिया जा सके कि हम लोगों को संदेश दे रहे हैं कि ब्लड की को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। आर्यव्रत एजुकेशन वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष कौल नेगी ने बताया कि मौजूदा कोरोना काल में अस्पतालों में रक्त की कमी देखते हुए ननखड़ी में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उनकी संस्था लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय है। अस्पताल में रक्त की पूर्ति के लिए शिविर लगाना और कोविड के इस दौर में लोगों की सहायता करने का वे प्रयास कर रहे हैं। जानते हैं कि इस समय कोरोना के कारण पूरा समाज जूझ रहा है। मौजूदा कोरोना काल में अस्पतालों में रक्त की कमी को देखते हुए हमारी आर्यव्रत एजुकेशन वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी ने ऐसे ननखड़ी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन आज किया है। इस रक्तदान शिविर में अभी तक ऐसे 35 रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान किया है और अभी भी ये जारी है। लगभग हमारा मानना है कि 50 के करीब रक्तदाता यहाँ पर अपना रक्तदान करेंगे। हमारी आर्यव्रत एजुकेशन वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी लगातार ऐसे समाज कार्य में सक्रिय है और कोरोना काल में भी ऐसे समाज में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए उसके लिए लगातार प्रयासरत है। इस मौके पर उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि आजकल कोरोना की वजह से रक्त की कमी देखने को मिल रही थी, इसलिए सामाजिक सेवा वाली संस्थाओं से वे आग्रह करते हैं कि रक्तदान शिविर का आयोजन करें। इसी अभियान के तहत ननखड़ी में आर्यव्रत संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जो की सराहनीय बात है। ननखड़ी में ये ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया है आर्यव्रत वेलफेयर सोसाइटी द्वारा और उसी के लिए जो है मैं यहाँ आया भी था और जो है अभी हमें बताया गया है कि यहाँ पे अभी तक 31 लोगों ने जो है ब्लड डोनेशन कर भी दिया है। जिस तरह